अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:25 और हो चुका ऑल सेट, बारिश हो रही जम के, गोरे भी बाइक खड़ी है तो निकलने वाले हैं। निकल चुकी है सवारी। लिया है अभी बाकी है 73 किलोमीटर देख सकते हो आप। और ये अपना राइडर, तो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते फिर निकलते हैं मंजिल की तरफ। हेलो नमस्ते सलाम, दिस इज सचिन अवेंगा बैक टू वाड्यू चैनल द सचिन ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में और एक नई सुबह के साथ। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11 और हम आ गए हैं एक ऐसे लोकेशन पे जिसको टाउन ऑफ वाटरफॉल बोलते हैं और जो लोकेटेड है पालघर में, जिसका नाम है जवाहर। सो हम तो पहुँच गए, मैं आपको ए टू जेड डिटेल दूंगा कैसे आप यहाँ पर आ सकते हो। अपनी प्राइवेट व्हीकल से तो आप आराम से आ सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे आ सकते हो इजीली, वो भी तो सारी डिटेल्स में देने वाला आपको। तो बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में। अगर आप पब्लिक व्हीकल से भी आना चाहते हो तो भी आ सकते हो। और बाकी आपको दिखाते हैं कैसा है, कितना खूबसूरत है जवाहर। आज आपको एक एक प्लेस दिखाएंगे। पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जय विला पैलेस से, जो कि जवाहर का सबसे फेमस पैलेस है। तो चलते फटाफट लेके आपको, 1 2 3 लेट्स गो। और आज हमारे साथ आए हैं, अरे तिवारी भैया, इनका नाम है संतोष। तो इन्होंने अपना अभी रिसेंटली, मतलब कि राइड बहुत टाइम से करते थे, मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप ट्रैवलिंग व्लॉग बनाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इन्होंने बनाया हुआ है, तो मैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो चेकआउट जरूर करना और सपोर्ट करना। अभी तो मतलब एक दो वीडियो डाले हैं, बट आने वाले टाइम में भारी भारी वीडियो और भारी भारी प्लेस के आएंगे। तो चलते अपन विला को लेके, लेट्स गो। तो यह है एंट्रेंस पॉइंट जय विला पैलेस का। यहाँ से आप खाली बाइक लेके आ सकते हो या पैदल चल के जा सकते हो, कार आपको बाहर ही पार्क करना पड़ेगा। हम पहुंचने वाले जय विला पैलेस, जिसको रजवाड़ा भी बोलते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको ऑन द वे। हम तो कुछ ऐसा कच्चा रास्ता आएगा, बट भाई गाड़ी एकदम आराम से और प्यार से चलाना, क्योंकि कब हादसा हो जाए कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि इतना स्लिपरी पैच है, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है बाइक। पैच स्लिपरी है तो इसलिए बाइक लेके आराम से आना भाई। हो ठीक है, अपनी बाइक अपना संभाल के लेके जा रहे हैं, इसलिए से बोला ना। पूरा पैलेस दिख गया, दिख रहा है पैलेस। अरे वाह, हरी क्या व्यू आएगा ना भाई, गिरा पार्किंग। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ क्या कैसा है। पहले हमको दिखा दे कि कहाँ पे है ये, ये रहा सामने। मेरे पीछे देख रहे हो
और रजवाड़ा भी बोलते हैं, जिसको बनाया हुआ था यशवंत राव मुकने ने अपनी रॉयल फैमिली के लिए, जो इस्टेब्लिश था 19वीं शताब्दी में बनाया था इसको। ये लोकेटेड जवाहर में, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारी तरह। अब देख सकते हो वहाँ से, तो अंदर का जो चार्जेस है ना वो 60 रुपीज़ है, और अंदर फ़ोटो वीडियो नहीं अलाउड है। हम घूम के आ गए अंदर 60 रुपीज़ देके, बट अंदर फ़ोटो वीडियो नहीं अलाउड है। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हो तो लोकेशन आप डालोगे रजवाड़ा पूछोगे या फिर जयविला पैलेस पूछोगे, तो आपको आप इजी यहाँ पे इजीली यहाँ पे पहुँच जाओगे। अंदर अंदर तो फाइनल व्यू रजवाड़ा है, ये लोकेटेड है माउंटेन के हिल पे। तो चलो आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ऐसा कुछ साफ फ्रंट है, लेफ्ट साइड से ऐसा है, राइट साइड से अपने जाना है। जो अंदर जाके आए, अंदर थोड़ा बहुत मतलब भगवान की मूर्तियाँ हैं, कुछ पुराने पुराने सामान रखे हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और ऊपर से जो व्यू मिले आपको, फ़ोटोज़ ले सकते हो। अभी ये टाइम तो बारिश का टाइम है, तो वहाँ पे है टॉप हिल, यहाँ से आप हिल का व्यू ले सकते हो। सो ये रहा रजवाड़ा एंड इसको राजविला पैलेस बोलते हैं, और ये रहा सामने का व्यू, मतलब खूबसूरत शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद वाला। सो कुछ ऐसा लोकेशन दिख रहा है सामने वाला ब्यूटीफुल माउंटेन, अब मैं एकदम टॉप पे खड़ा हूँ। एंड यहाँ से हम आए हुए, पूरा रास्ता दिख रहा है यहाँ से, वो सामने माउंटेन के पीछे से हम आए हुए हैं। और खूबसूरत आने के लिए कैसे आ सकते हो बताता हूँ। अब प्राइवेट व्हीकल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो आप थाने से बस चलती है जवाहर के लिए, और बुरली से बस चलती है। सो आपको तीन जगह से जयविला पैलेस रजवाड़ा आप जा सकते हो। एक पालघर से आपको बस मिल जाएगी, दूसरा बोरीवली से, और तीसरा थाने से। ये तीनों जगह से आपको कंसिस्टेंसी अच्छी है जो आपको जवाहर या जयविला पैलेस छोड़ेगी।